बिहार के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का लंबी बीमारी के बाद बीती शाम निधन हो गया। 74 साल के रामविलास पासवान कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन गुरुवार की शाम को उनके बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने निधन की जानकारी दी। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर कई दिग्गजों ने केंद्रीय मंत्री के निधन पर दुख व्यक्त किया। आज रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को पटना ले जाया जाएगा। रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को अब उनके दिल्ली स्थित आवास पर ले जाया जा रहा है। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन एम्स अस्पताल पहुंचे। बारा जनपद पर रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, फिर पार्टी मुख्यालय ले जाया जाएगा। रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को आखिरी दर्शन के लिए सुबह 10 बजे उनके आवास बारा जनपद पर अस्पताल से सीधा लाया जाएगा। दोपहर 2 बजे के बाद उनके पार्थिव शरीर को पटना में लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय लाया जाएगा। रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार शनिवार को पटना में किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।